राजेश शर्मा। ये क्या बात है अरुणोदय। ओहो, वेल प्लेड अरुणोदय, बहुत बहुत बधाई आपको। ये हम गए थे ना आपके पास, अभी वैसे ठुकी मारी थी क्योंकि आपने हमारी तारीफ कर दी, इसलिए सोचा कि चलो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपने बहुत सुंदर बोला सर, सच्ची तो बोला था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत स्वागत अरुणोदय शर्मा जी का। ये 9 वर्ष के हैं और 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, शिमला हिमाचल प्रदेश से हैं। नाचते हुए एकदम, जो कि हिमाचल प्रदेश का शायद लगता है नृत्य है वहाँ का। नाटी, नाटी उसे बोलते हैं। अच्छा। नाटी बोलते हैं सर। किसने सिखाया आपको ये? सर एक तो शादियों में तो मैंने बड़ा भारी है डांस देखा, और साथ में पापा मेरे इसके प्रोफेशनल है, मतलब बहुत अच्छा डांस करते हैं वो, उन्होंने मुझे सिखाया है। उन्होंने आपको सिखाया? यस सर। बहुत सुंदर तरीके से सिखाया आपको। थैंक यू सर। सर इससे पहले कि सारा इंट्रोडक्शन, बातचीत और खेल शुरू हुए, मैं एक 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ सकता? डुबकिया सिंधु में गोता खोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोता खोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सच ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सच ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती, हार नहीं। क्या बात है, बहुत खूब भाई साहब। आपका जो नाम है ना अरुणोदय, यस सर, ये बहुत सुंदर नाम है। यस सर। इसका मायने जानते हैं आप? यस सर जी। सर इससे पहले मुझे आपसे एक क्वेश्चन है। सर 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 ठहर जा, ठहर जा। हाँ जी, हाँ जी। आप सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह? हाँ जी भैया, ऐसा है, हाँ जी। आपको बता दें, हाँ जी। जब आप हमारी उम्र के होंगे, हाँ जी, तो रात में कम से कम 3-4 बार उठना पड़ेगा आपको। तो हमारी नींद जो है वो खुलती रहती है 3-4 बार। तो वैसे अगर पूछा जाए तो अभी यहाँ जैसे आज आना था खेल शुरू करने से पहले, तो 5:30-6 बजे उठना पड़ता। तो सर आपने सनराइज तो देखा ही होगा ना सर, सूर्योदय? हाँ सूर्योदय देखा। तो उस सूर्योदय होने से पहले आकाश में एक जो लालिमा सी छाती है ना सर, उसको अरुणोदय बोलते हैं। और जो मेरे भाई का नाम है, उसका नाम है अभ्युदय। अभ्युदय का मतलब होता है सूर्य का उदय होना, और मेरा मतलब होता है सूर्य के उदय होने से पहले वाली लालिमा। क्या बात है भाई साहब, आपके बोलने का तरीके और आपके अंदर जो बुद्धि है, जितना भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है, यस सर, ऐसे लगता नहीं कि आप 9 वर्ष के हैं। सर आप अकेले आदमी नहीं है जिन्होंने मुझे ये कहा बताइए। इनसे कोई भी प्रश्न पूछना जो है, पता नहीं क्या बम आने वाला उधर से। ओके, आप बड़े होकर के क्या करेंगे? सर ऐसा है, मैं अभी आपको अच्छे से बता नहीं सकता क्योंकि मेरे सपने कब चेंज होते हैं मुझे खुद नहीं पता। अगर जी मैंने अदालत का प्रोग्राम देख लिया तो मुझे जज बनना है, अगर जो है बिजनेसमैन का प्रोग्राम देख लिया मुझे बिजनेसमैन बनना है, आईएएस का प्रोग्राम देखना आईएएस बनना है, डॉक्टर तो मैं बिल्कुल बनना नहीं चाहता हूँ। हाँ। और पॉलिटिशियन भी नहीं। लेकिन सिंगर बन सकता हूँ मैं। क्या बनना चाहते हैं? सिंगर, सिंगर, गायक। गायक बनेंगे आप? यस सर बन सकते हैं, अभी तो पता नहीं भविष्य में क्या करेंगे। केबीसी आप नहीं देखते हैं क्या? सर केबीसी तो हम इतना देखते हैं जी, जब मैं छोटा बच्चा था तो जब पापा मम्मा न्यूज देखते थे, जब ये छोटे बच्चे थे, हाँ जी,
क्योंकि आजकल भी तो देखते ही है, आपका शो इतना हिट है क्योंकि आप है उसमें। अगर जी कोई और होता तो इतनी पॉपुलैरिटी बन ही नहीं सकती थी सर। आप इस शो में, तब ये शो चल रहा है सर। अरुणोदय जी, जल्दी से आपको खेल के नियम बता दो क्योंकि आपने तो हमारे एकदम हालत खराब कर दी है। सर, जब आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता है तब आप खेल के नियमों पर ही आते हैं सर, मैंने देखा। ए भगवान, किन बच्चों से पाला पड़ गया है हमारा। ओहो, ऑलराइट अरुणोदय। Yes, sir. जल्दी से जो आपके साथ आपके कंपेनियन के रूप में आया, आपके माता पिता आए हैं, उनका परिचय हम दे दें हमारी जनता को, ठीक है? जी। तो आपकी माता जी आए हुई, ममता उनका नाम है, प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। और जगदीश आपके पिताजी का नाम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, तालियों के साथ उनका हम स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं आपको कि आप यहाँ आए हैं, लेकिन उससे ज्यादा बधाई देते हैं कि आपकी पैदाइश हमारे सामने बैठी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जितने भी खेल के रूल्स हैं वो तो आपको पता ही है, हम उसको दोहराएंगे नहीं, ठीक है? बस इतना बता दें कि चांस मत लीजिएगा। यस। चार लाइफलाइन रखी हुई है, धीरे धीरे एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे, उसका उत्तर दीजिए और ढेर सारी यहाँ से आप पॉइंट्स जीत करके जाएं। जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब रुपए होंगे जो कि आपके बैंक में डाल दी जाए, ठीक है? ऑलराइट, हमारे जो एक्सपर्ट है उनसे आपका परिचय करवा देते हैं, ठीक है? तो आपके एक्सपर्ट हैं हमारे संजय बारू जी। संजय जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहेंगे, जोरदार तालियां जरा बज जाए संजय बारू जी के लिए। नमस्कार। नमस्कार अरुणोदय, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट अरुणोदय, सबसे पहले आपकी रिपोर्ट कार्ड देखिए। ये देखिए, रिपोर्ट कार्ड आ गई। अरुणोदय शर्मा, ऑल्सो नोन एज आदि, 9 साल की इनकी उम्र है, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। क्या पसंद है इनको? लिसनिंग टू ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स। यस सर। क्या नहीं पसंद है? ऑनलाइन क्लासेस, धुकधुकी जी और आपकी हाइट, ये आपको पसंद नहीं है? यस सर। और माता पिता का ये धारणा है आपके बारे में कि घर में सबका आप ख्याल रखता है? ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, तो जिस तरह का आपका स्वभाव है वो एकदम बुजुर्गों जैसा है, आपने देखा है सर? कभी बचपन से जो है मैं बुजुर्गों और जानवरों, है ना, इन दोनों चीजों के साथ मैं बचपन से ही कनेक्टेड हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा। मतलब जैसे अगर कोई बुजुर्ग है, शादी में है, तो जी थोड़ी सी अगर हमने बात कर ली तो हमारी आधे घंटे से पहले बात खत्म नहीं होती सर, बात रुकती नहीं है सर हमारी। कितने बुजुर्गों के साथ आपकी मुलाकात होती है? आप जी ये नहीं बता सकते, हम जितने रिश्तेदार आते हैं उन सब के साथ बातचीत होती है, पापा मम्मा से ज्यादा बातचीत रिश्तेदारों के साथ तो मैं ही करता हूँ। अच्छा। हाँ, मम्मा पापा तो बस देखते रहते हैं। हे भगवान। हाँ। क्या कहा जाए आपके बारे में? ओके, कुछ चीजें जल्दी से बता दें खेल के मामले में। यस। फिर आप कहेंगे जब आपको कुछ और बात करना नहीं होता तो आप खेल की ओर ध्यान बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे? अब नहीं बोलूंगा सर। ठीक है। आपको खाना पसंद है, ब्रेड सैंडविच? नहीं सर, मैं सैंडविच और बाहर का खाना ज्यादा नहीं खाता, जो बाहर के लिए खाता हूँ वो है पिज्जा और पास्ता, बाकी मैं बाहर का कुछ नहीं खाता। और कुछ नहीं खाते आप सिवाय पिज्जा? हाँ। के और कुछ नहीं खाते? सिर्फ पिज्जा पास्ता के अलावा मैं जंक में और कुछ नहीं खाता। और कुछ नहीं? ओके। अच्छी खासी आदतें आपने, आपके माता पिता ने आपको सिखा के रखी? सर सिखाए नहीं है सर, मेरा स्वाद ही ऐसा है। हमारा मन कर रहा है कि खेल वेल छोड़ देते हैं भाई साहब, आपसे बैठ करके बतियाते हैं, हम बात करते जाएंगे। आप हम... मन तो आपका ऐसा सबके साथ होता है क्योंकि सब इतनी अच्छी बातें करते हैं आपके साथ, हम ही थोड़ी ना है अकेले। लेकिन क्या करें सर, खेल के नियम है, खेलना पड़ता है। अच्छा, जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपको यकीन हो रहा है कि ये 9 वर्ष के हैं? है? लोग मुझे 90 वर्ष का कहते हैं। सर कहाँ से बुद्धि आ रही है इनके अंदर, मुद्राएं देखिए एकदम एडल्ट जैसी। आप क्या कह रहे थे अभी? कि मैं तो कुछ नहीं कह रहा था सर अभी। अभी अभी आपने कहा कि लोग सोचते हैं कि मैं 90 वर्ष का हूँ। यस सर, आपने बोला ना कि कौन सोच सकता है कि मैं 9 वर्ष का हूँ, तो फिर मैंने बोला लोग बोलते हैं कि मैं 90 वर्ष का बूढ़ा हूँ। बातें आप बिल्कुल 90 वर्ष जैसी करते हैं।
क्या करें सब अब हो गया क्या कहे, ये भी सही कहा आपने। हम बता, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरा फेवरेट गाना भी रहा है ये बीच में। अच्छा बीच में, बीच में यानी आगे पीछे कुछ और था? यस सर, मेरे तो बदलते रहते हैं सर, जैसे बोला ना मेरे वो सपने बदलते रहते हैं, वैसे ही मेरे गाने भी फेवरेट से गाने भी बदलते रहते हैं। यस सर। ओके, पहले इसके बारे में बता दें, फिर आपके गाने के बारे में बात करेंगे। यस सर। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में सुनील दत्त जी थे, सायरा बानू थी, मोहम्मद किशोर कुमार नजर आए थे। ये गाना किशोर कुमार और मन्ना डे ने गाया। यस सर, यस सर। याद है आपको? यस सर, मैंने इनके बारे में थोड़ा सुना है कि मन्ना डे, चलिए खेल पर कंसंट्रेट करते हैं, अब उनकी बातें कहाँ हम पकड़ लेंगे, तो खेल का टाइम खराब हो जाएगा हमारा सर, तो खेल लेते हैं थोड़ा सा। बातचीत तो होती रहेगी सर, बातें कहाँ भाग रही है। धन्य है आप भाई साहब। थैंक यू सर। अच्छा ये बताइए कि किस तरह के गाने आपको पसंद हैं? सर मुझको तो बिल्कुल पुराने गाने अच्छे लगते हैं। पुराने गाने? यस सर। आपके जमाने के गाने? नहीं, यस सर आपके जमाने के गाने। नहीं, सर? नहीं, हमारे जमाने का, आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं आप ही के जमाने के गाने होंगे, पता नहीं। अच्छा जैसे जैसे को आप कह रहे थे ना, तो जो इधर के कुछ गाने, कुछ इधर के गाने बीचों बीच में, आजकल ये गाना बहुत प्रचलित हो गया आपके लिए। यस सर। क्या, जैसे कौन सा? जैसे कभी मेरे बीच में सर जो तेरा चकराए, मुझे बीच में बहुत अच्छा लगा था। फिर एक चतुर नार बड़ा अच्छा लगा था। फिर रुक से जरा नकाब हटा दो बड़ा अच्छा लगा था, है ना। फिर है अपना दिल तो आवाया बड़ा अच्छा लगा था। सर मेरे तो करोड़ है ऐसे, मैं अभी बता नहीं सकता, नहीं तो दिन निकल जाएगा सर, 3-4 बार हूटर बज जाएंगे सर, लेकिन मेरी बातें खत्म नहीं होगी सर। हमें नहीं खेलना आपके साथ भाई साहब। सर ऐसा ना बोलिए कि शो कैसे चलेगा सर। अच्छा चलिए एक गाना गा दीजिए हमारे लिए, इतने गाने पसंद हैं आपको। ओके सर। जहाँ चार यार मिल जाए वही रात हो गुंजार, जहाँ चार यार, जहाँ चार यार मिल जाए वही रात हो गुंजार, जहाँ चार यार, महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे, धौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर दिखे, नए चमत्कार, जहाँ चार यार। वाह क्या बात है सर, आपकी शराबी फिल्म का गाना है। अच्छा सुनिए, हम आपका एक इम्तिहान लेना चाह रहे हैं। यस सर। हम कुछ गाने बजाएंगे। यस सर। पूरा गाना नहीं बजाएंगे। यस सर, मतलब जैसे, हाँ कैसे मतलब? मतलब जैसे उसका संगीत बजाएंगे, आपको बताना होगा कि वो गाना क्या है। ओके ओके, समझ गए ना? यस यस, समझ गए। गाने की जो धुन है, ट्यून, हाँ बिल्कुल वही ट्यून बनाएंगे। अच्छा समझ गया सर। यानी आपने हमको बोल भी दिया है कि कैसे बोलना चाहिए, ट्यून ट्यून सुनाएंगे आपको। तो हम आपको ट्यून सुनाएंगे, आपको बताना पड़ेगा ये गाना क्या है, ठीक है? पहला गाना बजाया जाए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और। यस सर। बजाया जाए गाना। सर एक प्यार का नगमा है सर, इसी के साथ साथ जो है जनता का एंटरटेनमेंट भी हो गया थोड़ा थोड़ा। जनता बड़ी, जनता मन में गुनगुना रही थी गाना सर, मैं देख रहा था। क्या बताएं सर आपके बारे में, हमारा तो मन ही नहीं कर रहा है कि आपके साथ खेल खेला जाए। बहुत खूब गाने जो थे आपके एकदम सही थे, और जितने भी पुराने गाने थे, बहुत से यहाँ लोग होंगे जिन्होंने कभी इन गानों को सुना भी ना होगा। हम लोग एक साथ थे ना, तो दोस्त बन गए थे, तो हम लोगों ने इसका एक एक नाम रखा था। मैंने इसका नाम क्या रखा होगा, गेस करिए आप। ऑप्शन है मिस्टर गांधी जी, मिस्टर संस्कारी बच्चा, अरुण बाबा, चार में से एक बताइए। मैंने इसका नाम रखा है मिस्टर संस्कारी बच्चा। वही मैं कहने वाला था। यस सर, आप 1 करोड़ रुपए जीत गए। वेलकम, थैंक यू वेरी मच। आएगा आपके सामने पांचवा प्रश्न, और मूल्य है इसका।
भाई साहब, इसके ऊपर आपकी कोई विशेष टिप्पणी है क्या? सर, मेरी तो कोई विशेष टिप्पणी नहीं है, लेकिन जो है आदमी के पास और बातें प्रिपेयर करने को आ जाती है जो आपसे बोलनी है सर। ये स्कूटर का फायदा है सर, सब इसके नुकसान बताते हैं सर, मैं आज इसका फायदा बताता हूँ सर। जैसे ही हम बात करने चाहते हैं ये बच जाता है। चलिए क्या करें, गेम इतना चलना था, कौन सा कल नहीं होगा, कौन सा शानदार शुक्रवार थोड़ी ना है कि गेम अब भी खत्म। हाँ जी, यस सर। ऑलराइट अरुणोदय, आज का खेल यहीं समाप्त होता है। जाने से पहले हमारे जो एक्सपर्ट है ना, संजय बारू जी, उनसे हम विदाई ले लेते हैं। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए, अभिनंदन आपका। नमस्कार संजय बारू जी, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने तो बहुत मजा कर दिया आज। जी जी, मजा आ गया। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वन मोर बिग हैंड फॉर मिस्टर संजय।